में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। ग्वालियर में फोर्ट से कूद कर सुसाइड करने वाली मोनिका शिवहरे का भाई थाने के सामने धरने पर बैठ गया। मनीष ने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि जिस युवक की वजह से उसकी बहन ने खुदकुशी की, पुलिस उसे आरोपी नहीं बना रही है। 11 नवंबर 2017 को मोनिया शिवहरे नाम की युवती की डेड बॉडी फोर्ट की तलहटी से बरामद हुई थी। पुलिस का मानना है कि मृतिका ने सुसाइड किया है, जबकि उसके भाई का कहना है कि उसकी हत्या की गई है। मृतिका के भाई मनीष के हाथ फोर्ट के रास्ते पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज लगे थे, जिसके बाद उसने दावा किया था कि जो युवक उसकी बहन के पीछे जाते हुए दिखे, वो वापस आते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन उसकी बहन का कोई अता पता नहीं। मनीष ने पुलिस को युवकों के वाहन का नंबर भी दिया है, जो मोनिका की कोचिंग के बाहर खड़ा मिला था। 11 बजे सीसीटीवी फुटेज में मेरी बहन अंकुर प्रजापति के साथ में है, और 11:50 पे अंकुर प्रजापति अकेला लौट कर आता है। मेरी बहन वहाँ पर से लौट कर नहीं आती है, और वहीं जहाँ पर घटना स्थल है, यहाँ पर सशस्त्र बाहू का मंदिर है, वहीं पर लड़का वहीं पहुँचता है और वहीं से वापस आता है, पर मेरी बहन नहीं आती है वहाँ से। अभी मैं ये चाहता हूँ कि पुलिस अंकुर प्रजापति को इस FIR में क्यों नहीं है उसका नाम। अगर इस FIR में उसका नाम नहीं है तो पुलिस ने ज़रूर उसको पीछे हटा दिया, क्योंकि वो अंकुर प्रजापति को कभी हाथ डालने की कोशिश ही नहीं की है पुलिस ने अभी तक। सर, मैं जब तक बैठा रहूँगा जब तक मेरे को सारे आरोपियों के साथ में FIR नहीं मिलेगी। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज आज।